मुख्याधि महोदय जी प्रदर्शित कर आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्याधि महोदय नीति जी प्रज्वलित कर रहे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राकेश पठानी जी, मान्य वन भारत व उपाध्यक्ष स्पेशल ओलंपिक्स हिमाचल प्रदेश, डॉक्टर मलिका नड्डा उपाध्यक्ष स्पेशल ओलंपिक्स भारत व अध्यक्ष स्पेशल ओलंपिक्स हिमाचल प्रदेश। मैं स्वागत करता हूँ स्वतंत्र संख्यान जी का, प्रेसिडेंट भाजपा श्री त्रिलोक जम्बाल जी, उपस्थित अन्य सभी सम्माननीय गण, 16 राज्यों के 100 कोचिज अधिकारी, जो स्पेशल ओलंपिक भारत द्वारा जो है वो यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है 6 मार्च से 11 मार्च 2020 के रूप में इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम की शोभा को दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो आज के इस 6 दिवसीय राष्ट्रीय कोचिंग कैंप फ्लोरबॉल के शुभारंभ तो हमारे इन खिलाड़ियों को रोजगार में स्थान दिया जाए, इनके लिए रोजगार में स्थान आरक्षित किया जाए, जिससे कि जो स्थान नॉर्मल खिलाड़ी नहीं ले पा रहे हैं हिमाचल में, उन स्थानों में इन विशेष खिलाड़ियों को रखा जाए, जो इतने गोल्ड मेडल्स लाके प्रदेश को जिन्होंने गौरवान्वित किया है करके सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां के, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे श्री पठानिया जी ने मुख्य अतिथि खेडूडिया जी को टोपी और शॉल पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार, हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है और प्रेरणा से बच्चों से प्रेरणा लेनी चाहिए। वेट लिफ्टिंग में इसने 3 कांस्य निधि शर्मा को शॉल और टोपी भेंट करके इसने जूनियर एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल। जैसे ये कैंप लगा, अब जब ये कैंप लगा तो सबसे बड़ी हमें समस्या क्या आ गई कि इन बच्चों को कहाँ रखना, इन बच्चों के बारे में व्यवस्था कैसे खड़ी करनी। तो हमने भारत सरकार से इसकी प्रपोजल भेजी थी, जिसका हमें 2 करोड़ का स्वीकृत हो गया है और 2 करोड़ का हम लेकर आएंगे और बिलासपुर में एक बढ़िया हॉस्टल बनाकर देंगे, ताकि यहाँ पे जब भी आप नेशनल लेवल का ऐसा कैंप कराएं तो आपको ठहरने की व्यवस्था ना हो। मैंने डेप्यूटी कमिश्नर महोदय से निवेदन किया है सुबह कि आप हमें जमीन का व्यवस्था करके दें, तुरंत करके दें, ताकि हम इसका कार्य शुरू करें। और हम इसको प्री फैब में लेके जा रहे हैं और प्री फैब की हमारी 3 कंपनी से बातचीत चल रही है और शायद हमारा उनके साथ MOU, जैसे ही जमीन मिल जाएगी तो हम 8-10 दिन में उसको साइन कर देंगे। प्री फैब का मतलब ये है कि हम 1 साल में उसको उसकी ओपनिंग करके आपको दे देंगे, ताकि वो 1 साल के अंदर तैयार होके समर्पित हो जाए। जैसे जमीन की व्यवस्था हो जाती है
उसका हम टेंडर लगा के उसका कार्य शुरू करेंगे। अगले हफ्ते के बाद जब हमारी नई स्पोर्ट्स पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो जाएगी इस विधानसभा के अंदर सेशन के दौरान, उसके बाद स्पेशल ओलंपिक्स विल बी पार्ट ऑफ द स्टेट यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। ये हमारे विभाग का एक हिस्सा होगा। और जैसे आपने बताया कि आपके बच्चों को जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता उनको 5 लाख रुपए यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भारत ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, और ब्रॉन्ज वालों को 1 लाख रुपए दिया। अगले थोड़े दिनों में हम जयराम ठाकुर जी के हाथ से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से, जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको हम सम्मानित करने वाले हैं, उसी सूची में 2-2 लाख रुपए इन बच्चों को गोल्ड मेडल वालों को और 1 लाख रुपए ब्रॉन्ज वालों को भी बुलाया जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इनको जो है इनाम उन्हें दिए जाएंगे, क्योंकि हम इनको भी उसी पार पे हम लेकर आएंगे जिस पार पर भारत सरकार ने इनको मान्यता दी है, उसी पार के ऊपर हम इनको मान्यता जो है वो भारत हिमाचल सरकार में देने वाले हैं। भाभी जी ने निवेदन किया था भाभी जी के कहने के ऊपर ये सारा का सारा, पर भाभी जी के बिना बोले हुए एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो अवार्ड हम नए इंट्रोड्यूस करेंगे उन अवार्ड का नाम मैं चेतना के नाम से रखना चाहूंगा, ताकि चेतना अवार्ड के नाम से इन बच्चों को जो है हमेशा के लिए सम्मानित करते रहे। जो जो अवार्ड हम इनको दें हम चेतना के नाम से दें, ताकि ये संस्था का नाम ही हमेशा रोशन रहे, जिस संस्था के माध्यम से आप उन घरों में पहुंची हैं भाभी जी, जहां पे आपको भगवान ने साक्षात आशीर्वाद दिया।